बुजुर्ग नेताओं ने चुनाव न लड़ने का किया फैसला। नेताओं का बगावती दौर हुआ शुरू। कांग्रेस नेता बटे दो खेमों में। देश की राजनीति हमेशा अपने रंग ढंग बदलती रहती है और हम सबकी नजर भी उसी पर टिकी रहती है, क्योंकि नेताओं को बखूबी सियासत का खेल खेलना आता है। कुछ ऐसे भी नेता हैं जो अपनी ही राजनीति को बरकरार रखने में लगे रहते हैं और इसी के चलते अपनी ही पार्टी के साथ बगावत कर बैठते हैं या फिर मतभेद शुरू हो जाता है। अब आप कांग्रेस को ही देख लीजिए, पहले तो पायलट और अशोक गहलोत और अब कांग्रेस उम्रदराज नेताओं ने चुनावी मैदान से हटने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नेताओं की मांग है कि अपने बेटे बेटियों को टिकट मिले और ऐसे में चुनाव न लड़ने का फैसला कर लिया है। आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं नवतेज टीवी और स्वागत है आपका राजनीति की सियासी गलियारों में और मैं आपके साथ ज्योति राघव। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का नजदीकी दौर शुरू हो गया है। ऐसे में खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस में विधानसभा चुनाव से पहले उम्रदराज नेताओं ने चुनावी मैदान से हटने का फैसला कर लिया है। इस मुद्दे पर नेताओं के बीच खुलकर मतभेद भी सामने आ गए हैं। कांग्रेस नेता दो खेमों में बट गए हैं। सचिन पायलट खेमे के एक मंत्री और विधायक ने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर दी है। उधर सीएम अशोक गहलोत खेमे के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने चुनाव से हटने से इनकार कर दिया है। कुछ बुजुर्ग नेता अपने बेटे बेटियों को टिकट देने की शर्त लगा रहे हैं। बता दें कि पायलट समर्थक विधायक और पूर्व विधानसभा स्पीकर दीपेंद्र सिंह शेखावत ने विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। शेखावत ने कहा, अब मैं 3-4 महीने का MLA हूं, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। हेल्थ को देखते हुए मैंने यह फैसला किया है कि मैं अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन समर्थक दोबारा जिताने का प्रचार कर रहे थे, लेकिन जब चुनाव में खड़ा ही नहीं होना है तो कैसे जिता देंगे। वहीं दीपेंद्र सिंह शेखावत पिछले दिनों एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भी चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। उम्रदराज नेताओं के चुनाव नहीं लड़ने के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा, कोई तैयार होगा तो सीट छोड़ देंगे, लेकिन अभी कोई तैयार ही नहीं हुआ तो उसे तैयार करना पड़ेगा। मेरे सामने तो बीजेपी से लड़ने वाला ही उम्मीदवार नहीं है, मैदान बिल्कुल साफ है, मैं तो चुनाव लड़ूंगा और मैं विनिंग कैंडिडेट हूँ, काम कर रहा हूँ, आपके सामने है। नौजवान कोई तैयार नहीं हुआ है, कोई तैयार होगा तो मैदान जरूर छोड़ देंगे। वहीं श्री करणपुर से खबर आ रही है कि कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री गुरमीत सिंह कुन्नर ने कहा कि जो मंत्री बने हैं उन्हें रोते देखते हैं रोज। मैं तो कहता हूँ अच्छा हुआ मैं खुद मंत्री नहीं बना, केवल MLA हूँ तो सुखी हूँ। मैं भी कहकर आया हूँ बेटे को टिकट दे दे तो मेरी जान छूटे, वह काम करने लायक है, मैं मेरे मन से नहीं लड़ना चाहता। कुन्नर ने आगे कहा कि मेरे क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले तो बहुत थे, लेकिन 25 साल से रगड़ते रगड़ते घिसते हुए 25 साल से वहां पर हमारे पास ही कांग्रेस का सिस्टम है और कोई बचा ही नहीं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पिछले दिनों कहा था कि बुजुर्ग नेताओं को तो खुद ही आगे बढ़कर युवाओं के लिए खाली जगह करके उदाहरण पेश करना चाहिए। कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने CM को सुझाव दिया था कि वे भी अपने बेटे को चुनाव में आगे करके जगह खाली करें तो माहौल बदल जाएगा। और वन मंत्री हेमा राम चौधरी, सांगों से कांग्रेस विधायक भरत सिंह और शिव से कांग्रेस विधायक अमीन खान अगला चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। तीनों ही नेताओं ने चुनावी मैदान से पीछे हटने के साथ ही युवाओं को आगे बढ़ाने का तर्क दिया है। हेमा राम चौधरी कई बार घोषणा कर चुके हैं कि वे अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। भरत सिंह और अमीन खान भी सार्वजनिक मंचों पर कई बार युवाओं को आगे बढ़ाने की पैरवी करते हुए अगला चुनाव नहीं लड़ने की बात कह चुके हैं। कांग्रेस में जिन नेताओं ने चुनाव मैदान से हटने की घोषणा की है वे सब 75 पार हैं। कांग्रेस में ज्यादातर उम्रदराज नेता बेटे बेटियों को टिकट देने की शर्त पर चुनाव नहीं लड़ने को तैयार है। ज्यादातर नेताओं के बेटे बेटियां या दूसरे परिजन पहले से राजनीति में हैं। खैर, मतभेद की तो यह भी शुरुआत ही है, आगे बहुत से बदलाव आपको राजनीतिक पार्टियों में देखने को मिलेंगे और बहुत सी घोषणाएं भी होनी शुरू होगी। तब तक के लिए आप भी देखते रहिए नेताओं की बगावती तेवरों को। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए नवतेज टीवी। नमस्कार।
देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश टीवी।